मैट्रिक्स का क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स एम, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ एम डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ एम, लेट आई बी द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लेट ई एन एफ बी 2 3x3 मैट्राइसेस सच डेट आई माइनस ई एफ इज इन्वर्टिबल इफ जी इज इक्वल्स टू आई माइनस ई एफ का इनवर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट आपके सामने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा है, बाकी इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास आता है। इस क्वेश्चन को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन है कि जी इज इक्वल्स टू आई माइनस ई एफ का इन्वर्स, होल इन्वर्स हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको यूँ लिख सकते हैं, आई माइनस ई एफ मल्टीप्लाई में जी इज इक्वल्स टू जी इंटू आई माइनस ई एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा आई जी माइनस ई एफ जी इज इक्वल्स टू जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा जी माइनस ई एफ जी इज इक्वल्स टू जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एक जो ऑप्शन नंबर सी है तो यहाँ से ही प्रूव हो गया कि ई एफ जी इज इक्वल्स टू जी ई एफ, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ से ही प्रूव हो गया। ये जो है वो हमारा ऑप्शन सी है जो कि हमारा करेक्ट है। अब आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में हम सबसे पहले आरएचएस को देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास दे रखा है कि एफ ई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू है आई माइनस एफ ई का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एफ जी ई का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका आरएचएस उठाते हैं। आरएचएस हमारे पास दे रखा है आई माइनस एफ ई का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एफ जी ई का डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, यह आएगा हमारे पास एफ जी ई माइनस एफ ई एफ जी ई का डिटर्मिनेंट। यहाँ से हम वैल्यूज निकालते हैं किसकी, ई एफ जी की। ई एफ जी की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमारे पास ये फर्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है वहाँ से हम ई एफ जी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमारे पास है जी आई माइनस ई एफ इज इक्वल्स टू आई, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम ई एफ जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जी माइनस जी ई एफ इज इक्वल्स टू आई। यहाँ से हमारे पास जी ई एफ की वैल्यू आएगी, हमें निकालना है ई एफ जी की वैल्यू। तो ई एफ जी की वैल्यू के लिए हम आई माइनस ई एफ इंटू जी इज इक्वल्स टू आई, ये जो हमारे पास सेकंड वाला दे रखा है इसका हम यूज़ करते हैं, इस फर्स्ट वाले का इसका यूज़ करते हैं और यहाँ से हम ई एफ जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जी जी माइनस ई एफ जी इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से हमारे पास ई एफ जी आएगा जी माइनस आई, ये हमारे पास काफ़ी मोस्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम सारे प्रूव कर पाएंगे। तो हम यहाँ से हम इसी को प्रूव करते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी ई माइनस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ये आएगा जी माइनस आई और मल्टीप्लाई में हमारे पास दे रखा है ई। मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसका डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई करते हैं एफ जी ई माइनस एफ जी ई माइनस माइनस प्लस एफ ई। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास यहाँ डिटर्मिनेंट आया एफ ई का, और यही डिटर्मिनेंट हमारे पास एल एच एस में दे रखा है, इस वजह से ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास करेक्ट है। यहीं से हम अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बी जो हमारे पास ऑप्शन नंबर दे रखा है आई माइनस एफ ई ब्रैकेट में आई प्लस एफ जी ई ब्रैकेट में दे रखा है इज इक्वल्स टू आई। ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं आई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई
प्लस माइनस माइनस एफ ई, और ये हो जाएगा एफ जी ई। तो यहाँ से हमारे पास ई एफ जी वापस वैल्यू आ गई जो हम वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आएगा आई प्लस एफ जी ई माइनस एफ ई माइनस का, यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे एफ, ये हो जाएगा जी माइनस आई, ये हो जाएगा ई। आई प्लस एफ जी ई माइनस का एफ ई माइनस, ये हो जाएगा एफ जी ई माइनस माइनस प्लस एफ ई। यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इसी इक्वल्स टू में हमारे पास ये सभी डिटर्मिनेंट में चल रहा था। नहीं, यहाँ हमने डिटर्मिनेंट नहीं दिया है, यहाँ पर सीधा हमें ब्रैकेट दिया, ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास आई, आई के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास बी दे रखा है। सिमिलरली हम ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है इस तरह से, आई माइनस एफ ई ब्रैकेट में आई माइनस एफ जी ई इज इक्वल्स टू आई। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा आई माइनस एफ जी ई माइनस का एफ ई प्लस, ये हो जाएगा एफ ई एफ जी ई। यहाँ से फिर हमारे पास ई एफ जी आ गया, यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई माइनस एफ जी ई माइनस का एफ ई प्लस एफ, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी माइनस आई, और ये हो जाएगा हमारे पास ई। अगर ये हमारे पास आ जाएगा आई माइनस एफ जी ई माइनस का एफ ई प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास एफ जी ई माइनस का एफ, ये हो जाएगा माइनस का एफ ई। तो आप देखोगे माइनस के एफ ई से प्लस एफ ई कैंसिल आउट हो गया, प्लस नहीं, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये माइनस का दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास ये शायद ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि ये आ रहा है मेरे पास आई माइनस एफ जी ई, और ये हो गया माइनस का टू एफ ई, माइनस का टू एफ ई, माइनस का टू एफ ई। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास आई दे रखा था, इस वजह से ये जो डी ऑप्शन है कैंसिल हो गया। तो इसका हमारे पास सही आंसर हो गया ए बी और सी। ये क्वेश्चन जो ये एडवांस 2000 जो ये एडवांस 2021 का फेमस क्वेश्चन है, जो अभी अभी आ चुका है। क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था, इसमें बस आपको एक पेशेंस नहीं खोना है, डर नहीं जाना, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।